अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने वाले हैं पान शॉट्स, जो कि बहुत ही डिलीशियस होता है पीने में, बिल्कुल पान जैसा ही इसका फ्लेवर होता है। तो इसे बनाने के लिए मैंने पान ले लिए हैं, मेरे स्मॉल साइज़ के हैं पान, तो इसलिए मैंने चार लिए हैं। अगर आपके लार्ज साइज़ के हैं तो आप दो लीजिए। 1 टेबल स्पून शुगर, 1 टी स्पून सौंफ और ये 1 टेबल स्पून घिसा हुआ खोपरा लिया है, और ये गुलकंद लिया है मैंने 1 टेबल स्पून। ये काफ़ी मीठा होता है इसलिए शक्कर मैंने कम ली है। तो सबसे पहले हम जूसर जार ले लेंगे, जिसमें हम जूस या मिल्क शेक बनाते हैं, वो वाला जार लेना है। और पान की जो ये डंडी है बीच की, इसको हम निकाल देंगे, वरना ये ब्लेंड नहीं होगी। और पान को तोड़कर टुकड़ों में डाल देंगे इसमें। तो सारे पान को इसी तरह से तोड़कर आपको डाल देना है और इसकी डंडियों को रिमूव कर देना है। अब हम इसमें सौंफ और शुगर ऐड कर देंगे, घिसा हुआ खोपरा ऐड कर देंगे, ये सूखा वाला नारियल है, और इसमें हम गुलकंद ऐड कर देंगे। अब इसमें हम ग्रीन कलर ऐड कर देंगे, 1 ड्रॉप ग्रीन कलर के ऐड कर दिए हैं मैंने, ताकि अच्छा सा कलर आ जाए। आइस क्यूब्स ऐड कर दिए हैं, इसको ब्लेंड कर लेना है, बिल्कुल फाइन पेस्ट की तरह इसको हम ब्लेंड कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से मैंने ब्लेंड कर दिया है। अब हम इसमें मिल्क ऐड कर देंगे, 1 कप मैंने मिल्क डाला है, आप 1.5 कप भी मिल्क का यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें वनीला आइसक्रीम ऐड कर देंगे, आइसक्रीम डालने से इसका टेस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, डालना ज़रूरी है, बट अगर आप नहीं डाल रहे हैं तो आप इसमें आइसक्रीम एसेंस का भी यूज़ कर सकते हैं। इसको ब्लेंड कर लेंगे आइसक्रीम डालने के बाद, अच्छी तरह से एक बार ब्लेंड कर लेना है। तो ये देखिए, बहुत ही मज़े का हमारा पान शॉट्स बिल्कुल कुछ ही सेकंड्स में बनकर रेडी हो चुका है। ज़्यादा टाइम इसको नहीं लगता है बनने के लिए, और बहुत ही मज़े का बनता है ये, बिल्कुल पान जैसा ही इसका फ्लेवर होता है। बट पान खाने में अलग होता है और पीने में अलग होता है, तो आप इसको ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा। रमज़ान में इफ्तार में बनाइए, और समर का भी टाइम है तो आप समर में भी इसको बनाकर बिल्कुल चिल्ड और ठंडा ठंडा आपको सर्व करना है। तो ये देखिए, बनकर रेडी हो चुका है। और अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को ज़रूर दबाइए। बेल बटन को दबाने से ही आपको मेरी इसी तरह से नेक्स्ट रेसिपीज़ दिख पाएगी। अब इसमें हम गार्निशिंग के लिए आलमंड्स डाल देंगे कट किए हुए, आप चाहे तो रोज़ पेटल्स भी डाल सकते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार सा और रिफ्रेशिंग सा, कुछ नया सा हमारा पान शॉट्स बनकर रेडी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो फिर मैं मिलती रहूँगी आपसे इसी तरह से नई नई रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।